गरिमा मित्तल, प्रभा खेतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट और एहसास वुमेन ऑफ मेरिट एंड फरीदाबाद द्वारा प्रस्तुत कलम के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस पेंडेमिक के दौर में यह कलम का सिलसिला लाइव आ रहा है आपके लिविंग रूम में। मेरे लिए सम्मान एवं गौरव का विषय है कि मैं असगर वजाहत साहब का अभिनंदन कर रही हूँ। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, फिल्म तथा चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और रचनात्मक योगदान दिया है। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 फतेहपुर में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दिल्ली से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया और 1971 से जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग का अध्यापन किया। यह 5 साल हंगरी बुदापेस्ट की एलजी यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन किया। उनके साथ गुफ्तगु में है आराधना प्रधान जी, जो हमारी एहसास वुमेन ऑफ एनसीआर है। मैं दोनों को आमंत्रित करती हूँ कि वह बातों का सिलसिला शुरू करें। आराधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन की कि आज मुझे उन्होंने ये मौका दिया है कि मैं असगर वजाहत साहब से बातचीत कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि एक तो मैं इनको पढ़ती और देखती रही हूँ, और दूसरा ये हमारे जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे वो हिंदी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जामिया मिलिया में। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वजाहत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी और अगर हम ऐसा कहें कि हिंदी साहित्य के व्यापक आकाश में आपका लेखन एक विशाल इंद्रधनुष की तरह है, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर विधा में आपने लेखन किया है, जिसमें उपन्यास, नाटक, संस्मरण, लेख, यात्रा वृत्तांत, कथा, लघु कथा, अति लघु कथा सभी शामिल हैं। उनके साथ साथ चित्रकला और चलचित्र भी जो है वो शामिल है। और ये सब आपका ये जो आपका योगदान है, इसके अलावा आप प्रोफेशन से एक शिक्षक रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने शिक्षण पहले शुरू किया या लेखन? मैंने लेखन पहले शुरू किया। मैं जब स्वयं छात्र था, मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, उसी समय से मैंने लेखन शुरू किया। ये बात है तो लगभग 1964-65 की। तो 1964-65 के दौरान मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहा था, तो बीएससी के दौरान ही मैंने लिखना शुरू किया। तो लेखन पहले शुरू हुआ और अध्यापन बाद में। तो ये भी एक बहुत ही रोचक मालूमात है कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे और आपने साहित्य की तरफ अपना रुख किया बाद में। तो आपकी जितनी रचनाएं हैं उनमें एक तरह से कहें तो सबसे ज्यादा जिसको आपके नाम का पर्याय माना जाता है वो है जिस लाहौर नी वेख्या। तो उसके बारे में, मतलब उसके 30 साल अब हो गए मेरे ख्याल से, 1990 में पहला मंचन हुआ था इसका, तो 30 साल हो गए। तो उसके बारे में आप एक जगह कहते हैं कि जो इन्ना की आवाज या जो दूसरी आपकी जो दूसरे आपके नाटक हैं उनको आप कहते हैं कि वो स्टाइलाइज्ड नाटक हैं, और ये जो है ये एक यथार्थ के धरातल से जुड़ा हुआ नाटक है जिन लाहौर ने वेख्या। तो यथार्थ से आपने क्या क्या लिया इस नाटक में, या क्या क्या किरदार थे ऐसे जिनको के आपने इसमें शामिल किया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ये नाटक जो है ये बहुत एक मानने में मेरे लिए भी काफी नया रहा और ये अनुभव भी बहुत दिलचस्प रहा। जब ये नाटक पहली बार
मेंशन हुआ इसका, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि ये आपको मालूम नहीं आपने क्या लिखा है, मतलब आपने क्या लिख दिया ये आप जानते नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा कि आपने पार्टीशन नहीं देखा, आप पंजाब से आपका संबंध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपने पंजाब के विभाजन के बारे में जो लिखा है तो वो पंजाब के लोगों के ऊपर कितना प्रभाव डालता है, कितना असर करता है, ये बात आपको नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे दिल को छू लिया, इस नाटक ने हमें इतना सेंटिमेंटल कर दिया, हमें इतना ज्यादा इमोशनल बना दिया कि आपको ये उम्मीद ही नहीं थी कि आपके लिखे हुए से किसी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि देखिए, नाटक हमारे जो आज के सवाल हैं उन आज के सवालों पर फोकस करता है, और नाटक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी और उल्लेखनीय बात यह है कि जो मनुष्य है, जो मानव संबंध है, उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और जो मनुष्यता का जो रिश्ता है, जो इंसानियत का नाता है, वो सबसे बड़ा नाता है। वो जुड़ जाता है तो बाकी सब बातें जो हैं वो पीछे चली जाती हैं। तो ये नाटक का एक प्रकार से उद्देश्य रहा। ये भारत की बहुत सी भाषाओं में, विदेशों में इधर हुआ है, और नाटक से संबंधित कुछ बड़े रोचक प्रसंग भी हैं। जैसे आपने मतलब शायद ना देखा हो कि कोई नाटक ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑपरेशन करता हो। अच्छा, इस नाटक ने एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कैसे किया? इसका शो हो रहा था सिडनी में, सिडनी। अच्छा। तो वहां जो कर रही थी कुमुद मीरानी, उन्होंने मुझे कुछ फीडबैक भेजे। एक फीडबैक किसी आदमी ने लिखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ देखने के लिए गया नाटक, और उनकी पत्नी को बीमारी थी, आई डक की बीमारी, इसमें आंखें जो है सूखी हो जाती हैं और एक नर्व खोलनी पड़ती है ताकि आंखों के अंदर थोड़ा सा पानी आए। नाटक देख करके उनकी पत्नी इतना रोई कि वो जब अगले दिन डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपकी वो नर्व जो है खुल गई। नाटक का ये प्रभाव पड़ा कि वो एक ऑपरेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को जो चीज छूती है उसके बड़े गहरे प्रभाव पड़ते हैं। तो ये नाटक ऐसे ही रहा है कि इसने लोगों की भावनाओं को छुआ। जी, और जैसे आप कितने रोमांचित हुए होंगे इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ये सिडनी वाली बात सुन के मैं खुद इतनी रोमांचित हो रही हूँ कि मतलब इतना भी प्रभाव पड़ता है किसी के ऊपर। तो जो 1990 से ये शुरुआत हुई इसके मंचन की, तो उस वक्त जो जिस तरह का प्रभाव दर्शकों पर पड़ता था, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने या तो पार्टीशन को बहुत नजदीक से देखा, पढ़ा या जाना था, आपको लगता है कि आज की जनरेशन भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी? मेरे ख्याल से इसका जवाब आपका वही है कि मानव संबंधों पे है। देखिए, ऐसा है कि ये पार्टीशन जो है इसकी बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में पार्टीशन है, पार्टीशन हो चुका है, पार्टीशन के बाद की स्थिति है। और नाटक शुरू से ही जो है वो एक नाटकीय स्थितियां पैदा करता है। तो नाटकीयता में तो सबको रुचि होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम देखें आगे क्या होगा। और उसके बाद जो है वो नाटकीयता धीरे धीरे नाटक की बढ़ती जाती है। और देखिए, मानव संबंध, हम किसी भी देश में हों, किसी भी समाज में हों, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम स्वयं मनुष्य हैं, तो मानव के कारण हमारी हमारी जो दिलचस्पी है वो मानव संबंधों में होती है, वो मानवीय भावनाओं में होती है, वो एक दूसरे के प्रति जो मनुष्य के रिश्ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, उनमें है। तो ये नाटक पार्टीशन के ऊपर नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बैकग्राउंड में ये एक ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर है, और ये कुछ ऐसी बातों के ऊपर संकेत करता है जो कि ज्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं। जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस भी इसमें रुचि लेंगी। जी, बिल्कुल।
मैंने भी जब देखा था ये मतलब मैंने जामिया ज्वाइन करने से पहले इसे देखा था, और जब मुझे पता चला कि आप हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वहाँ, तो मैं सिर्फ आपको देखने के लिए दो क्लासों के बीच में भाग के गई थी कि जिन्होंने इसको लिखा है, मैं एक बार उनको देख के तो आऊँ। नहीं, इसी से मिलता जुलता एक मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं भाग के गई थी आपको सिर्फ देखने की किस इंसान की कलम ने ऐसा लिख दिया जादू, तो अब अभी का जो एक माहौल है जिसमें सोशल मीडिया की वजह से एक शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी या लेखक और पाठक के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम हो गई है, और मेरे हिसाब से ये जब एक खिंचाव हो और मिलना नहीं हो, तब जो एक श्रद्धा होती है शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर किसी के लेखन को पढ़ने के लिए, वो एक दूसरे तरह की चुंबकीय एक वो होती है, खिंचाव, चुंबकीय खिंचाव होता है। तो अब चूंकि ये इतनी नज़दीकी आ गई है, इतना ज़्यादा ये एक मिश्रण ऐसा बन गया है जहाँ हर कोई हर किसी के लिए उपलब्ध है, तो आपको लगता है कि ऐसे में मतलब उस तरह की श्रद्धा नहीं रह गई है पाठकों में या छात्रों में अपने बड़ों के प्रति? देखिए, ऐसा है कि समाज बदलता है, लोग बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 50 साल पहले जो था वो आज भी होगा, या जो 100 साल पहले छात्रों की और अध्यापकों का रिश्ता था वो आज भी होगा या आगे भी होगा। सारी चीजें बदलती हैं, तो इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, और बदलाव के अंदर भी एक प्रकार से सार्थकता है, क्योंकि वो अपने समय से और अपनी टेक्नोलॉजी से उसका मेल हो रहा है। तो हम अपने समय और अपनी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना, हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा और हमें उसके साथ अपने बेहतर रिश्ते बनाने होंगे और एक प्रकार की जो मानवीयता है उसको बनाए रखना होगा, जो रिश्तों के अंदर का जो एक पूरा समझिए कि एसेंस है वो कायम रहना चाहिए। ये कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते पूरा, ये मेरा मानना है। जी 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 और आपके अध्यापन से लेके ही हमारा अगला सवाल है कि आप बुडापेस्ट में एक हिंदी अध्यापक के तौर पे काफी साल रहे, तो विदेश के छात्रों में हिंदी को लेके एक जो क्यूरियोसिटी होती है वो सिर्फ सीखने के लिए होती है या मतलब पूरे हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए होती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल हमारे हिंदी के छात्र और विदेश के हिंदी के छात्र, उनमें काफी अंतर होता है। काफी अंतर इस माने में होता है कि विदेश में जो हिंदी सीखते हैं छात्र, तो उनका पहला उद्देश्य होता है कि वो ज्ञान के लिए सीखते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखते हैं। तो वो इन इन सर्च ऑफ नॉलेज वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य जो है नौकरी पाना, उनका उद्देश्य कोई कैरियर बनाना, उनका उद्देश्य फिर और कुछ नहीं होता है, क्योंकि और वहाँ कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं जी। तो इसलिए उनकी गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो अपने शौक से अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए विषय पढ़ रहा है वो कितना गंभीर होगा। दूसरी बात यह है कि यूरोप के पूरे माहौल के कारण हिंदी का भी शिक्षण वहां पर एक दूसरे प्रकार का शिक्षण हो गया है, जो कि यूरोप के साचे में ढला है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगले हफ्ते जो पढ़ाना है उसका टेक्स्ट और उसके नोट्स एक हफ्ते पहले छात्र को दिए जाएंगे, छात्र उनके ऊपर तैयारी करेंगे एक हफ्ते तक, और फिर जब क्लास होगी तो वो आपसे सवाल पूछ सकेंगे, क्योंकि एक हफ्ते उन्होंने उसी चीज को पढ़ा। जी। इस तरह से गंभीरता जो है वो, और एक प्रकार से जो सिंसियरिटी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, जो एक सामान्य बात है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो है स्थिति अभी दूसरी बनती है थोड़ी सी। जी। जी। जी।
तो एक संस्मरण में आपने, मतलब यात्रा वृतांत में आपने लिखा है कि किसी देश को समझना है तो उसकी सड़कों पर जाओ, किताबों से तुम देश नहीं समझोगे। मेरे ख्याल आपने ईरान का संस्मरण लिखते हुए ये लिखा था। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम आम आदमी को देखते हैं, आम जिंदगी को देखते हैं, आम जीवन को देखते हैं, और किसी भी देश का जो आम जीवन है वही हमें बताता है कि यहाँ लोग कैसे हैं। देखिए, खास लोग तो हर जगह खास होते हैं, है ना? खास लोग तो हर देश में एक से ही होते हैं, उनके अंदर कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत से अंतर पाए जाते हैं। तो सड़क पर चलने का मतलब यह है कि सामान्य जीवन से आपका गहन परिचय हो। जब तक आप उस चीजों को गंभीरता से नहीं देखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन में मैं एक सड़क पर टहल रहा था और मैंने वहां देखा कि सड़क के किनारे बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं, लेकिन वो यूज्ड खिलौने हैं, सेकेंड हैंड खिलौने हैं। मतलब ऐसा है कि एक बच्चा उनको खेल चुका है और उनके घर वालों ने उसको निकाल दिया है और फिर वो बिक रहे हैं सड़क पर। तो आप उस समाज का अंदाजा लगाइए, जिस समाज में लोग अपने बच्चों को सेकेंड हैंड खिलौने देते होंगे खेलने के लिए, है ना, यूज्ड किए हुए खिलौने। तो ये बात पता नहीं लगती अगर मैं टहलता नहीं सड़क के किनारे, अगर मैं गाड़ी से निकल जाता या अगर मैं वहां न जाता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि यहाँ के समाज में कुछ लोगों की स्थिति ऐसी भी है ना। तो समाज की जानकारी पूरी सड़क पर मिलती है, और शायद वो इसलिए इस बात का बुरा भी नहीं मानते होंगे कि सेकेंड हैंड खिलौने खरीद रहे हैं, इसलिए तो ओपनली उन्होंने देखिए आप देखिए आप देखिए मजबूरी होती है, बहुत सी मजबूरियां है ना, बहुत सी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों के चलते वो सब कुछ होता है। तो मतलब ये है कि समाज को समझने के लिए जरूरी है कि आप, जैसे मान लीजिए कि मैं पाकिस्तान गया, वहां कराची में लोगों ने मना किया कि आप डाउन टाउन में पैदल मत चलिएगा क्योंकि वहां फायरिंग होती है, वो दो जो माफिया है उनके बीच में फायरिंग होती है और उसमें लोग जो आने जाने वाले हैं वो भी कभी मर जाते हैं। लेकिन मैं वहां घूमा पैदल, मैं वहां पैदल घूमा और मुझे पैदल घूमने का एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, इनाम मिला कि मैंने वहां एक बिल्डिंग देखी, पुरानी बिल्डिंग थी जो वहां कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग थी और उसके बाहर जो पत्थर लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि एम के गांधी ने इसको इनॉग्रेट किया। अरे वाह, मतलब गांधी जी की इनॉग्रेट की हुई बिल्डिंग कराची में मुझे देखने के लिए मिली और लिखा हुआ था कोई सन 1935। तो मतलब उस समय गांधी जी का ऐसा प्रभाव था, उनका ऐसा, उनको लोग इतना पसंद करते थे, वो इतने लोकप्रिय थे कि उनसे उस बिल्डिंग को इनॉग्रेट कराया। तो ये वो, तो कहने का मतलब ये है कि पैदल या सड़क पर घूमना बहुत सी ऐसी जानकारियां देता है जो आपको अन्यथा नहीं मिल सकती। जी, वैसे ही जैसे कि आम आदमी के विषय में किसी किताब में नहीं लिखा मिल सकता है, या आम आदमी के जीवन के विषय में किसी किताब में आपको नहीं मिलता है। मुझे इस बात से आपकी कहानी याद आती है, वो एक जो आपने लिखी है, बहुत ही छोटी सी कहानी, मतलब सीरीज ऑफ स्टोरीज है, एक छोटे आदमी की वसीयत, जिसमें आपने लिखा है कि मूर्ति बनवाना तो ऐसी जगह पे बनवाना, वो मतलब पढ़ लेंगे हमारे श्रोता, बहुत ही अच्छी कहानी है। और ऐसे ऐसे छोटी कहानियों का आपका बड़ा अच्छा वो संकलन है, जिसमें बेनाम आदमी की कहानियां, लड़कियां और बाकी सब हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो पाकिस्तान का, चूंकि आपने जिक्र किया, तो जो ये आपका नाटक था जिस लाहौनी वेख्या, तो उसके मंचन में पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात पैदा हुई थी, लेकिन वो मतलब इवेंचुअली हुआ था वो वहाँ, तो जो आपने मेंशन किया है तो बड़ी ही रोचक लगी मुझे, तो मैंने कहा मैं एक बार आपसे सुनूं
क्या हुआ था वहां पर? ये ऐसा था कि एक साहब पाकिस्तान में हैं, खालिद अहमद, जी तो उन्होंने हबीब तनवीर वाला शो यहाँ देखा था नाटक का, तो वो कराची में करना चाहते थे। जैसा कि हर शहर में होता है कि वो पुलिस कमिश्नर की परमिशन चाहिए जी होती है, तो कराची के पुलिस कमिश्नर ने इस नाटक को वहाँ होने की परमिशन नहीं दी, और तीन कारण बताए थे कि क्यों नहीं दे रहे। पहला कारण बताया था उन्होंने कि लेखक जो है वो भारतीय है ना। जी दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि जो मौलवी है उस मौलवी की हत्या हो जाती है नाटक में, और तीसरा कारण बताया था कि ये जो केंद्रीय पात्र है बुढ़िया का, जो हिंदू बुढ़िया है, तो इसको एक प्रकार से बहुत प्रमुख बनाया गया है, इसको एक सेंट्रल कैरेक्टर ये बनती है। लेकिन उन्होंने, खालिद अहमद ने इस नाटक को वहां गोथे सेंटर में किया, जर्मन इंफॉर्मेशन सेंटर, जी जर्मन इंफॉर्मेशन सेंटर में किया। और उसके जो रिव्यूज उन्होंने मुझे भेजे वहां के अखबारों में जो छपे थे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में और इंडियन एक्सप्रेस में छपे थे। मतलब जी बहुत प्रशंसा की थी नाटक की। और एक अखबार ने तो लिखा था कि पाकिस्तान की सरकार ने या पुलिस ने इसको क्यों बैन कर दिया, क्योंकि ये नाटक जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, जिसकी पाकिस्तान में आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा मतलब रिलीजियस टॉलरेंस जो है जी बिल्कुल उसकी बहुत जरूरत है वहां, तो ये नाटक रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, इसको बैन नहीं करना चाहिए था। तो ये वहां का एक प्रसंग था। उसके बाद ये नाटक शीमा किरमानी ने किया, तो उन्होंने पंजाबी में किया और बहुत हुआ, और अब वहाँ होता रहता है, काफी स्टूडेंट्स करते हैं वहाँ, लाहौर विश्वविद्यालय के छात्र किया इसको, उनके उनके ईमेल आते हैं। वामन केंद्रे साहब ने मराठी में किया मेरे ख्याल से। हाँ, वामन केंद्रे ने किया मराठी में। इसके बाद ये है कि कन्नड़ में भी इसके शो हुए, कन्नड़ में इसको किया, के कंटेश है, के कंटेश ने इसको कन्नड़ में किया, लेकिन कन्नड़ में उन्होंने नाम बदल दिया इसका। उन्होंने कहा कि हम अगर कन्नड़ में अनुवाद करेंगे, जिस लाहौर ने देखा वो जमीए नहीं, तो कन्नड़ में कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है। तो जी। कन्नड़ में उन्होंने इसको रावी किनारे के नाम से किया, अच्छा रावी किनारे, और अच्छा कन्नड़ में बहुत से शोज किए। अब देखिए, कन्नड़ की रियलिटी पार्टीशन नहीं है, जो कर्नाटक है कर्नाटक में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन रिलेशंस उभर के सामने आते हैं, इस वजह से वहां भी लोगों ने इसको पसंद किया। ये जी, क्योंकि उसका जो एक एक बाइंडिंग फैक्टर है ना, जो कि मतलब अंडर करेंट है ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप का, तो मेरे ख्याल से इस वजह से, नहीं तो कन्नड़ में तो मेरे ख्याल से इतिहास के तौर पे ही पार्टीशन को पढ़ा जाता होगा या उनकी कहानियां जो है। हाँ, उन लोगों को इसका अनुभव है। जी, तो मेरा अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग है, भाषा को लेकर है। तो आजकल देखने को मिलता है कि मतलब हिंदी पर इन दिनों बड़ी पुरजोर चर्चाएं होती हैं कि हिंदी में सिर्फ हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए, उसमें उर्दू नहीं होना चाहिए, पंजाब इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने तो अपने लेखन से मेरे ख्याल से 4 दशक पहले ही इसको खारिज कर दिया था, जब आपने ड्रेन में रहने वाली लड़कियां, दूसरी मिस्टेक और कई कहानियों के मतलब आपके तो शीर्षक भी अंग्रेजी हिंदी के मिक्स हैं। तो आज जो ये चर्चाएं होती हैं, तो आप इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए देखिए, ऐसा है कि जो भाषा है ना, वो एक तरह से बहता हुआ पानी है ना। उसमें और जो पानी बह रहे हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, है ना। वो धार बड़ी हो सकती है, नदी बड़ी हो सकती है। तो भाषा न कभी रुकी है बदलने से और न कभी रुकेगी। जो लोग कहते हैं कि भाषा को शुद्ध करो, उनको ये नहीं मालूम कि संसार में शुद्ध नाम की कोई चीज नहीं है। जितनी चीजें हैं उनमें से कुछ भी शुद्ध नहीं है, भाषा भी शुद्ध नहीं है। अब ये जरूर है कि भाषा में आने वाले बदलाव को हम स्वीकार कर पाए या नहीं कर पाए, इतनी हिम्मत हमारे अंदर है कि हम स्वीकार करें। अगर हम स्वीकार नहीं भी करेंगे तो बदलाव तो आना है, बदलाव तो रोक नहीं सकते हम लोग। बदलाव तो समय की मांग है, हर समय आया है।
तो भाषाएं बनती हैं बिगड़ती हैं लोगों के माध्यम से, लोग बदलते हैं तो भाषा बदलती है। अब आज देखिए हमारा समाज बदल रहा है, अंग्रेजी का जो महत्व है वो बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का आना जरूरी है। और आज से नहीं आ रहे, पिछले 100 साल से आ रहे हैं अंग्रेजी शब्द। जैसे मान लीजिए कि लालटेन है ना, अंग्रेजी शब्द है। पलंग किलाट है, अंग्रेजी शब्द है। तो लंग क्लैट जो आया करता था कपड़ा यूरोप से, तो ये लॉन्ग क्लॉथ कहलाता था, लॉन्ग क्लॉथ। अच्छा, ये हाँ लंग क्लैट बन गया है ना। तो हाँ, क्या है कि वो अंग्रेजी के शब्दों का भारतीयकरण हो गया। तो आज भारतीयकरण करने की जरूरत है, उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है। आप उन शब्दों को लीजिए, जैसे आपको मैं बताऊं, एक शब्द है नर्वस, अंग्रेजी का शब्द है ना, उसका लोग उच्चारण करते हैं नर्भस, और फिर उससे निकालते हैं नर्भसाते, और फिर कहते हैं नर्भसाए तो नहीं थे आप, नर्भस नर्भस हो गए होंगे, नर्भसाए होंगे आप, है ना। तो आप नर्भसाए अगर किसी अंग्रेज को भी आप सुना दें ये शब्द, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये अंग्रेजी है ना। जी, तो अंग्रेजी का भारतीकरण हो गया है ना। जी, तो भारतीकरण किया जाना चाहिए बजाय इसके कि हम उसका विरोध करें, क्योंकि भाषा में नए शब्दों का विरोध करना ठीक नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। ये लॉन्ग क्लॉथ वाली बात तो बड़ी ही रोचक आपने बताई। मैंने भी बचपन से इसको नानगिलाट ही सुना हुआ है, तो आज मुझे पता मुझे पता चला ये मोटा कपड़ा होता था, तो वो बहुत ड्यूरेबल कपड़ा होता था, और उसका तो जी, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इजाफा किया आपने हमारी नॉलेज में। और ये जो हिंदी और इंग्लिश को और उर्दू को अलग करने की बात है, खास करके हिंदी और उर्दू को, ये सिर्फ अब भाषा तक सीमित नहीं रह गई है, इसका जो है इसका असर हमारे सामाजिक ताना बाना पर भी जो है वो पड़ रहा है। मतलब डायरेक्ट नहीं कहिए तो ऑब्लिकली, लेकिन पड़ जरूर रहा है। तो एक बड़ा खिंचाव वाला माहौल हो जाता है जब इस तरह की बातें कोई मुख्य धार का लेखक हो हिंदी का, अगर वो इस तरह की बात करता है तो ये साहित्यिक नहीं होके एक राजनीतिक वक्तव्य बन जाती है। तो इस तरह जी, तो इसका इसका प्रसार प्रचार करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बोलने वाले कि ऐसी ये कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसको कि अलग अलग पानी दूध के जैसा कर दिया जाए या तेल देखिए पानी। ऐसा है, देखिए ऐसा है, जहां तक उर्दू हिंदी का सवाल है, ये वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक इसको कहते हैं कि एक भाषा है, एक भाषा है। क्यों? इसलिए कि इसका व्याकरण एक है। वो कहते हैं जब हम किसी भाषा को अलग मानते हैं तो हम व्याकरण के आधार पर मानते हैं, शब्द भंडार के आधार पर नहीं मानते, व्याकरण के आधार पर। तो हिंदी उर्दू का जो बुनियादी व्याकरण है वो एक है ना। तो इस वजह से जब दो भाषाओं का इतना, दो भाषाएं इतनी निकट हैं एक दूसरे से कि उनका व्याकरण भी एक है, तो उनको एक दूसरे से लेना चाहिए, सीखना चाहिए, एक दूसरे की जो संपदा है उससे फायदा उठाना चाहिए, न ये कि उसका विरोध करें, है ना। जी, तो भाषा का विस्तार होता है जब उसका शब्द भंडार बढ़ता है। तो हिंदी का शब्द भंडार बढ़ेगा उर्दू के शब्द लेंगे, उर्दू का शब्द भंडार बढ़ेगा हिंदी के शब्द लेंगे। और आप देखिए कि बहुत से कवि हैं पाकिस्तान के जिन्होंने हिंदी शब्द भंडार से बहुत से शब्द लिए हैं। एक इब्ने इंशा हैं, कवि वहां के थे, तो उनकी कविताएं पढ़िए आप, तो वो उन्होंने बहुत से इंशा जी उठो कूच करो अब शहर में जी कर लगाना क्या, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो हिंदी की जो संवेदना है और हिंदी के जो शब्द हैं उनको लिया है, उनका प्रयोग किया। तो दोनों भाषाओं के लिए ये अच्छा होगा कि एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को समझें, न ये कि एक दूसरे का विरोध करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ज़रूरत है कि मतलब जो शीर्ष के लेखक हैं वो इस बात को और भी माने
कि हम अलग नहीं कर सकते हैं। आप सब तो मतलब एक दूसरे परिवेश के हैं, जो मतलब साहित्य के रक्षक भी हैं, साहित्य में आपका योगदान भी है। हम जैसे आम लोग तो दो वाक्य भी नहीं बोल पाते ऐसा कि जिसमें उर्दू के एक दो लफ्ज ना हो, फिर वो सोचना पड़ता है। जब ऐसी ऐसी बातें पढ़ें तो सोचना पड़ता है कि हमने उर्दू कब बोला और हिंदी कब बोली और अंग्रेजी उसमें कब मिलाया। तो हमारे लिए भी बड़ा आसान होगा कि मतलब हम अंदर से अच्छा फील करें कि हम कुछ गलत हाँ, कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। जी, भाषा भाषा के प्रति तो आपका बहुत उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। जी। तो और एक और सवाल है आपसे हमारा कि जैसे आपने इतनी कहानियां लिखी हैं, इतने नाटक लिखे हैं और उसके वजह से इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका निर्माण किया है आपने, कुछ जरूर आपने रियल लाइफ से लिया होगा, पर मतलब अनगिनत है जिनका आपने निर्माण किया है। तो कभी ऐसा लगता है कि किसी भीड़ में आप हैं, इतने ज्यादा लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपके सारे चरित्र? देखिए, ऐसा है कि जो जीवन के अनुभव हैं, तरह तरह के लोगों से आप मिलते हैं, और खास तौर से जब आप सड़क पर चलते हैं जी तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है। और एक लेखक के लिए ये कितना जरूरी है कि वो बहुत लोगों से मिले। एक लेखक के लिए बहुत जरूरी है कि वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाए, उसको लोग पहचान ना पाए कि ये लेखक है, और उससे वो उसी तरह से बात करें जैसे कि एक अपने आदमी से करते हैं। तो जब इस तरह से लेखक और समाज का संबंध बनेगा तो पात्र मिलेंगे, बहुत से पात्र मिलेंगे, और वो पात्र आपके मेमोरी में चले जाते हैं, हाफजे में चले जाते हैं, और कहीं वो काम आते हैं। जब आप लिखते हैं तो वो पात्र निकल के सामने आते हैं। तो जीवन के साथ जितनी लेखक की मुठभेड़ होती है, जितना ज्यादा वो जीवन के करीब आता है, जितने ज्यादा वो लोगों को जानता है, उतना उसका फायदा है। लेखक से कोई कुछ ले नहीं जा सकता, लेखक को हमेशा कुछ दे के जाता है। स्पेशली जैसे तब मान जब लीजिए, आप जी लेखक हाँ मान लीजिए कि मैं जब हाँ मुझसे कोई कहता है कि आपसे मुझे मिलना है, तो मैं जरूर कहता हूँ बिल्कुल मिलिए, बहुत अच्छी बात है, जरूर आइए, बिल्कुल मिलिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझसे कुछ ले नहीं जाएगा, मुझे कुछ दे जाएगा, है ना, कोई अनुभव, कोई जानकारी, कोई आइडिया। अच्छा, और एक आपका बोला हुआ छोटा सा शब्द, एक छोटा सा वाक्य, वो मुझे कितना प्रेरित कर सकता है, इसका अंदाजा लोगों को नहीं होता। एक शब्द आप बोलेंगी और वो शब्द हो सकता है कि मुझे कहीं से कहीं ले जाए, है ना, कुछ आइडिया दे दे, कुछ लिखने का, कुछ करने का, कुछ सोचने का। तो ये होता है लोगों के साथ संपर्क। जैसे वो आपकी केक है स्टोरी और उसका वो मुर्गी का फार्म, तो वो ये केक जो कहानी है आपने वो कब लिखी थी? वो बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पहले, ये समझिए कि शायद वो 72-73 की कहानी है। अच्छा, बहुत पुरानी कहानी, हाँ, बहुत पुरानी कहानी है। हाँ, क्योंकि तो उससे अगर रेफरेंस लेके देखूं तो वो कहते हैं 10 साल पहले 3 रुपए गज था डिफेंस कॉलोनी का प्लॉट, तो उससे मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया कि किस समय का होगा, पर मैं वही सोच रही थी आपसे पूछूं। तो कई बार हम लोगों को असल में वो पढ़ते पढ़ते मुझे भी कई डेविड दिमाग में घूमे कि उनके जैसा के काम कर भी रहे हैं, अच्छे से भी कर रहे हैं, और मतलब उसको मतलब गालियां भी दे रहे हैं काम करने के साथ साथ। तो एक वो भी बात थी। अच्छा, मैंने आपका वो संचयन पढ़ा जो आपका 3 भाग में संचयन है जो पल्लव ने एडिट किया है। जी, तो उस तीनों को आपने अपने एक मित्र को समर्पित किया है जिनका कि नाम है स्टीव पुलस। क्या नाम है? स्टीव पुलस। अच्छा, ये क्या कहानी है, क्या है कोई? नहीं, आपने जो है ये आधी सदी पुराने मित्र स्टीव पुलस के लिए। अच्छा, हाँ, स्टीव पुलस, हाँ समझ गया समझ, वो हमारे दोस्त हैं। अच्छा, ओके, वो हमारे दोस्त हैं, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में वो
रिसर्च करने के लिए आए थे हिंदी उर्दू शॉर्ट स्टोरी पर, और हिंदी बहुत अच्छी उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं। तो उनसे उस जमाने में, ये बात है 68 की, तो 68 से उनसे दोस्ती है और अभी तक दोस्त हैं। तो वो आधी शताब्दी से भी पुरानी दोस्ती हो गई। तो और मैं अमेरिका गया था जब 75 में, तो उनके साथ रहा था और फिर काफी घूमा था। तो वो सब पुराने दोस्त हैं, उन्हीं के साथ साथ एक और भी थे कार्लो कपोला, वो भी अनुवादक हैं, वो उर्दू के प्रोफेसर थे वहाँ, प्रोफेसर सीएम नईम हैं, ये सब उसी सर्किल के लोग हैं। अच्छा। तो वही उन्हीं की आप बात कर रही हैं, स्टीव पुलस। जी, क्योंकि बड़ा नया सा और अनोखा सा नाम लगा तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगी कि कौन मित्र हैं। अच्छा, अब मतलब अंत में मैं दो तीन छोटे छोटे सवाल कि किस देश की सड़कों पे आप फिर जाना चाहेंगे इस लॉकडाउन के बाद? देखिए, मेरी तो इच्छा ये है कि संसार की कोई सड़क ऐसी न बचे जिस पर मैं न चला हूं, संसार में कोई आदमी ऐसा ना बचे जिससे मैं मिला ना हूं, है ना। तो जो कहना चाहिए कि इच्छाएं हैं वो तो अपार हैं, इच्छाएं अपार हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी जापान जाना चाहता हूं, जापान की सड़कों पर चलना चाहता हूं, क्योंकि जापान के समाज के बारे में मैंने जो सुना है तो वो देखना चाहता हूं, है ना। इसके अलावा जो है वो अफ्रीका के कुछ देश हैं, वहां जानना चाहता हूं, वहां भी घूमना चाहता हूं। अच्छा, और जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि मैं सोशल टूरिज्म करता हूं, है ना। सोशल टूरिज्म के इमारतें देखना मेरा काम नहीं है, या वही काम नहीं है इमारतें देखना केवल, बल्कि लोगों को, समाज को देखना, उनसे मिलना, तो उसमें समय लगता है। तो मैं किसी एक देश में जाता हूँ तो कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में रहता हूँ। जैसे 3 महीने में रहा ईरान में, 2 महीने रहा पाकिस्तान, तो एक कोने से घूमना शुरू किया और दूसरे कोने तक घूमते गए, और बिल्कुल आम लोगों की तरह, बिल्कुल साधारण लोगों की तरह, उन्हीं की अपनी ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, उन्हीं के अपने तरीकों से, तब भी दिखाई देता है कि हाँ वास्तव में क्या जीवन। तो अभी फिलहाल मैं जापान और अफ्रीका के कुछ देश हैं, वहां जाना चाहता हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर, आप जरूर जाए ताकि हम लोगों को और बहुत कुछ रोचक पढ़ने को मिले। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा ये सवाल कि चलचित्र के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, और क्या आप दोबारा कोई फिल्म डायरेक्ट करना या लिखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि फिल्म के साथ मेरा संबंध जो है मीडिया के साथ पुराना संबंध है, लेकिन मैं हमेशा हाशिए पर रहा, मैं मतलब सेंटर पेज पे नहीं आया या आ पाया। अभी आजकल राजकुमार संतोषी साहब जो हैं, उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा नाटक है वो gotsegandhi.com, gotsegandhi.com, उसके ऊपर वो बनाना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। इससे पहले लाहौर की स्क्रिप्टिंग की थी उन्हीं के लिए। अच्छा। और खुद बनाने की बात जो है वो मुझे लगता है कि खुद डायरेक्ट करना या प्रोड्यूस करना, इसलिए मेरे लिए मैं पसंद नहीं करूँगा कि उसमें ऑर्गेनाइजेशनल काम बहुत होता है, चीजों को इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको चैनलाइज करना, कि उनका फिर लेन देन, पैसा बेचना खरीदना, है ना जी। तो ये चीजों में मुझे बहुत जानकारी नहीं है बिल्कुल, खरीदने और बेचने का काम में मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, हमेशा गलत चीज खरीद लेता हूँ और हमेशा गलत चीज बेच देता हूँ। हम इंतजार करेंगे संतोषी साहब के इस पिक्चर की और आपका स्क्रिप्ट उसमें देखने को मिलेगा। और एक और सवाल जो मतलब आपकी सारी विधाओं में एक जो बच गया वो है आपकी चित्रकला, आपकी पेंटिंग, उसके बारे में आप कुछ बताएं। बड़ा ही एक दौर था जबकि आपकी जो पेंटिंग्स थी वो रोज एक नई दिखती थी,
तो आप इतने उसमें और एक मतलब एक उसके साथ मतलब कैलीग्राफी के साथ ना खूबसूरत। तो देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं बुनियादी तौर पर चित्रकार हूँ, लेखक नहीं हूँ, है ना। जी और मैं बहुत बचपन से आकर्षित था चित्रकला की तरफ, बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं सका। मैं चित्रकला पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं सका। मैं ज्यादा समय देना चाहता था, दे नहीं पाया। बहुत सी बातें क्या ऐसी हैं कि जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, उनके लिए आकार और रंग जरूरी होते हैं, ये भी मुझे लगता रहा। तो चित्रकला को मैं उतनी ही गंभीरता से लेता हूँ जितनी गंभीरता से अपने लेखन को, लेकिन अफसोस है कि दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अरे ये लेखक हैं, ये तो ऐसे ही अपना कभी जी करता होगा कुछ बना देते होंगे। लेकिन अच्छा, लेकिन कुछ मित्र लेते हैं, जैसे हमारे प्रयाग शुक्ल हैं जो आर्ट क्रिटिक हैं बहुत अच्छे। तो पिछली जो मेरी एग्जीबिशन हुई थी वो उन्होंने क्यूरेट की थी। अच्छा, तो ये है, तो चित्रकला एक मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मतलब मैं कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं लिखना छोड़ दूंगा और सिर्फ चित्र बनाऊंगा। इतनी ज्यादा मैं उसमें डूब गया, मतलब इतना ज्यादा उसमें मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो क्या तो ये मीडियम इस्तेमाल करते हैं सर आप उसमें? देखिए, मैं मतलब ये कि रंग आकारों के लिए कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई भी माध्यम इस्तेमाल करता हूँ। कैनवस के ऊपर कभी ऑयल को इस्तेमाल करता हूँ, एक्रेलिक कभी इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं अपने कंप्यूटर पे बनाता हूँ, डिजिटल प्रिंट वो निकालता हूँ, कभी मैं कुछ चीजों को लेके कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उद्देश्य ये होता है कि रंग और आकार से कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो हमें एक अभिव्यक्ति दे, हमें एक एक्सप्रेशन दे, और दूसरे उस एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें एक अर्थ में। ये जी। तो आप, हम इंतजार करेंगे सर, आप उसका भी एक संकलन निकालें, तो आपकी किताबों की तरह एक उसका भी संकलन जरूर जरूर अच्छा जरूर रहेगा। और जरूर अब जरूर अगला हम किस चीज का इंतजार कर सकते हैं आपकी तरफ से? नाटक, कथा, उपन्यास? देखिए, अभी तो एक नाटक मैंने महाकवि तुलसीदास पे लिखा है, अच्छा जो शायद संजीव उपाध्याय पटना में जो है जी 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 वो उसको शायद करेंगे, और राजेंद्र गुप्ता जो एक्टर हैं जी वो उसमें तुलसी की भूमिका करेंगे। अच्छा तो राजेंद्र गुप्ता को वो नाटक में तुलसी की भूमिका इतनी पसंद आई कि वो कहते हैं कि कोई भी करे, मैं इसमें तुलसी की भूमिका करूंगा। तो एक तो वो नाटक है, दूसरा ये है कि एक दो और ऐसी रचनाएं हैं, और खास तौर से आजकल मेरी दिलचस्पी जो है वो नॉन फिक्शन में बढ़ गई है, नॉन फिक्शन में ज्यादा रुचि हो गई है। बजाय कहानियां लिखने के मैं संस्मरण लिखना, ट्रेवलॉग लिखना, ये ज्यादा पसंद करता हूँ। तो कुछ और संस्मरण लिख रहा हूँ, उसकी किताबें आ रही हैं। जी, मैंने जितना आपको पढ़ा है सर, उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा आपकी आपका लेखन जिसमें पसंद आया है, वो जब आप एक व्यंग लिखते हैं, और वो व्यंग जो एक खास करके जो लघु कथाओं में होता है और जो वो आखिरी लाइन में होता है, और वो इतना रेलेवेंट है आज के समय के लिए। एक छोटी सी आपकी कहानी है, बूढ़े मैदान का गुस्सा। तो जी, उसकी आखिरी लाइन है कि पहली बार बगैर विकेट के क्रिकेट खेला जा रहा था। अब मुझे ये नहीं पता आपने कब लिखा, लेकिन ये अभी भी रेलेवेंट है। जब जब सत्ताधारी लोग आ जाते हैं तो क्रिकेट उनके मन से बगैर विकेट के ही खेली जाती है। तो कई चीजें जो आपकी हैं, जिसकी तारीख नहीं मुझे पता, लेकिन वो जब भी पढ़िए वो उसी वक्त की लगती है। तो
देखिए तो आजकल खाली स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है, जी स्टेडियम खाली होती है रिकॉर्डेड तालियों के साथ खेल रहे हैं, तो समझ तो उसमें कोई देखने वाला दर्शक वहां नहीं होता और हो रहा है। जी तो बिल्कुल होता है जब आप खेल खेल को व्यवसाय से जोड़ देते हैं ना, जी जी बिल्कुल और सारी चीजें व्यवसायिक हो जाती हैं, तब फिर उसमें तो खेल नहीं बचता है, वहां बचता है कि उससे क्या मिल रहा है ना, ये हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है सर, तो उसके लिए रिटर्न तो उनको चाहिए ही। तो हम मुझे लगता है कि अभी समय हमारा जो है वो समाप्त हो गया है, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। जी मैं अब मेरे ख्याल से सवाल जवाब है, कुछ सवाल आए होंगे तो मैं श्वेता को आमंत्रित करती हूँ कि श्वेता आए हाँ और जरूर सारे दर्शकों के सवाल जो है वो आपसे लें। हमारे जरूर, लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी सर कि मैं आपसे बात कर पाई आज, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपने बहुत भाई, धन्यवाद। ओवर टू यू बहुत श्वेता, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आराधना जी, बहुत ही मजा आ रहा था इस कॉन्वर्जेशन को सुनने में हमें। तो पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विदुला जी को। विदुला जी जी जरूर। सादर नमन सर। हाँ जी नमस्ते सर। कवि और साहित्यकारों के लिए ये कहा जाता है कि अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापति यथास्मय रोचते विश्व तदेव परिवर्तते। माना कि कल्पनाशीलता और सृजन की क्षमताओं पर आपका संपूर्ण अधिकार है, पर किसी भी रचना के लिए एक प्रेरणा जरूर होती है, तो विभाजन की त्रासदी पर जो इतना मार्मिक नाटक आपने लिखा है उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि विदेश में बैठी एक महिला को ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और उनकी आंखों को फिर से मतलब फिर से उनकी आंखें दुरुस्त हो गई, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर, मैं जानने को उत्सुक हूँ। देखिए ऐसा होता है कि प्रेरणा मिलने का कोई एक सूत्र नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो आपके मन के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर अपना अधिकार जमाती चली जाती हैं और फिर एक स्थिति आती है कि आप उसको सामने लाते हैं। तो इस नाटक में भी ऐसा ही हुआ, आप जानते हैं कि विभाजन की जो त्रासदी है वो कितनी बड़ी ट्रेजडी थी, धर्म के आधार के ऊपर लोगों को अलग करना कितनी बड़ी ट्रेजडी थी, हजारों साल से जो एक देश बना हुआ था उसको धर्म के आधार के ऊपर अलग करना, लोगों को अलग करना, तो ये सारी की सारी बातें तो पृष्ठभूमि में थी। उसी के साथ साथ कहीं से कुछ ये संकेत मिले कि एक इस तरह की बुरी औरत जो है वो वहां रह गई थी विभाजन के बाद, तो फिर ये है कि फिर विचारों का और कल्पना का ताना बाना शुरू हुआ और उसके बाद ये नाटक आपके सामने आया, ये मिली जुली स्थिति होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विदुला जी। हम अपना अगला प्रश्न लेंगे चैतन्य अरोड़ा का। वो आपसे पूछना चाहती है सर कि आप कौन सी रोड प्रेफर करेंगे, द वन ट्रेवल्ड बाय मोस्ट पीपल और द वन लेस ट्रेवल्ड। नहीं देखिए भीड़ भाड़ वाली ज्यादा अच्छी होती है, जहाँ लोग हैं ना ज्यादा वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ सन्नाटा होगा तो बिल्कुल सन्नाटे से आप बातचीत कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, है ना बिल्कुल। लेकिन ये कि सन्नाटे से कहाँ तक बातचीत करेंगे, तो लोग हों, लोगों के चेहरे हों। अच्छा देखिए चेहरे जो है वो किताब होता है, एक चेहरा एक किताब है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका चेहरा है या मेरा चेहरा है, ये किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पूरी किताब पढ़ते चले जाइएगा। तो इसलिए जहाँ भीड़ भाड़ होगी, लोगों के चेहरे होंगे, लोग नजर आएंगे, वहां पर ज्यादा अच्छा होगा जाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, वो वैसे भी अपने आप में ही एक लर्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या जी का। सोशल टॉलरेंस लीड टू लैंग्वेज एंड कल्चरल एक्सपेंशन, वेर एज बाइगोट्राय एंड इनटॉलरेंस लीड्स टू लैंग्वेज एंड कल्चरल क्रिस्टलाइजेशन एंड दीज फेजेस ऑल्टरनेट इन आवर लाइफ टाइम्स, हाउ डू यू सी इट एज अ राइटर। देखिए अगर आप, मैंने जो लिखा है उसको आप देखिए तो उसकी बुनियाद में यही है कि जब तक
हमारे समाज में, मानव समाज में एक तरह की टॉलरेंस, एक तरह की सहनशीलता नहीं पैदा होगी, और वो भाषा के स्तर पर भी होना चाहिए, लोगों के स्तर पर हो, भाषा के स्तर पर हो, विचारों के स्तर पर हो। मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, मेरे विचार आपसे अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके अस्तित्व को, मैं आपकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करूं। ठीक है, हम असहमतियों में जी सकते हैं। हमको सबसे पहले सीखना होगा कि हमें अगर असहमति है तभी भी हम एक एक साथ एक समाज में रह सकते हैं। आप मेरे विचारों का सम्मान करिए, मैं आपके विचारों का करूंगा, या आप मेरे विचारों में दखल ना दें, मैं आपके विचारों में नहीं दूंगा। तो भाषा के स्तर के ऊपर भी और सामाजिक स्तर के ऊपर भी इस तरह की जो हारमोनी है वो जब तक पैदा नहीं होगी तब तक वो समाज में एकता नहीं बनेगी, समाज बिखरा रहेगा, बिखराव आएगा समाज में। तो ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। टीना जी पूछना चाहती हैं, अ ग्रेट आर्टिस्ट इज ऑलवेज बिफोर हिज टाइम और बिहाइंड इट, व्हाट यू फील अबाउट इट, व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? क्या क्या पूछ रही हैं? मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहराती हूँ, अ ग्रेट आर्टिस्ट इज ऑलवेज बिफोर हिज टाइम और बिहाइंड इट, व्हाट यू फील अबाउट यू? देखो ऐसा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ज्यादा आगे के लिए मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस समय हूँ लोग उसको समझें, है ना। पीछे वालों के लिए भी मैं नहीं लिखना चाहता कि जो नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हैं आज उनके लिए मैं लिखूं, और थोड़ा सा वो आगे तक भी चले, ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि आने वाली पीढ़ी भी उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करे, समझे, जाने। तो लेकिन मेरा मेन जो फोकस है वो आज के ऊपर है, आज की जनरेशन, आज के लोग, आज का समाज, इसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं निहारिका जी का। निहारिका जी पूछती है, आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं सर, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? देखिए ऐसा है कि मुझे क्लासिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, है ना, वो किसी लैंग्वेज के भी हो, और मुझे नॉन फिक्शन पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो। आमतौर से जब मेरे पास टाइम होता है, टाइम के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर से अब जो पढ़ाई होती है वो अपने काम के सिलसिले में होती है, कुछ मैं लिख रहा हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ, उस सिलसिले में पढ़ाई होती है। लेकिन जब ऐसा समय होता है कि जब मैं अपने काम के लिए नहीं पढ़ता तब मैं क्लासिक्स को पढ़ता हूँ, और क्लासिक्स को पढ़ने में मुझे बहुत रुचि बनती है, बहुत मजा आता है। वो वर्ल्ड क्लासिक्स हो, अपने यहाँ के क्लासिक्स हो, लेकिन क्लासिक्स से जो आपको आनंद आता है वो और किसी राइटिंग से कम आता है। वाह क्या बात है। सुशील जी आप पूछना चाहते हैं? सुशील जी ने हैंड रेज किया है। ना मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल पूछिए। असगर जी। हाँ जी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुशील जी। मेरा एक सवाल है कि आप पाकिस्तान खूब घूमे हैं, आप जिस तरह के हालात घूमे हैं। सर आप पाकिस्तान बहुत घूमे हैं। हाँ हाँ जी जी। तो जिस तरह के हालात हैं, क्या पाकिस्तान का दोबारा से भारत में विलय की संभावनाएं आप देखते हैं, कभी ऐसी है कुछ? देखिए मैं तो ये संभावना देखता हूँ कि पूरा उपमहाद्वीप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, ये जितने भी देश हैं ये सब ये महासंघ बनेगा, इसका महासंघ बनेगा, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना। क्योंकि आप किसी को अपने साथ मिलाएंगे तो एक सम्मानजनक तौर पर आएगा वो आपके साथ। अब वो जमाना चला गया कि आपकी सेना गई, आपने कहीं कब्जा कर लिया, अब वो नहीं हो सकता है। अब आपको सम्मानजनक तरीके से लोगों को मिलाना होगा। तो ये पूरा उपमहाद्वीप जो है ये दरअसल
एक यूरोपियन यूनियन जैसी चीज बनेगी और ये सब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू जी। इसके साथ हमें समय इजाजत नहीं देता कि हम और प्रश्न पूछें, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज के मेहमान असगर वजाहत जी का, हमारी संवाददाता आराधना जी का और सभी मौजूद मेहमानों का, मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज के सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मेरी एक और गुजारिश है आप सबसे कि हम लोग इस सेशन के बाद सभी को अपनी बुक्स भेजेंगे, सर की बुक्स हम भेजेंगे, तो जो भी लोग बुक्स लेना चाहते हैं वो मुझे या अंशु जी को अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करें। जो भी सर की बुक हमसे लेना चाहते हैं वो अंशु जी को या मुझे सेशन के बाद अपना एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए आपने अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच।